ओए गगन, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? आपको दिख नहीं रहा, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। मुझे दिख रहा है, लेकिन तू भूल गया क्या? मैंने बताया था ना तेरे कजन आने वाले आज। हाँ तो मैं क्या करूँ, आ रहे हैं तो आ जाएंगे, उसमें क्या है? तुझे लेने जाना है उन्हें, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा उन हरामियों को लेने के लिए। मैं तेरे को बोलती हूँ कभी, मुझे जाना पड़ रहा है ना, और तेरे भाई बहन है, ले आ, शाम तक मैं आ जाऊंगी। अरे मम्मी, वो अभी छोटे छोटे होंगे, बच्चे से, मैं उनको लेने नहीं जाऊंगा। छोटे छोटे नहीं है, वो भी बड़े हो गए हैं, जैसे तू बड़ा हो गया है। अच्छा मम्मी, वो सारे आ रहे हैं क्या? सब क्या, दो तीन आ रहे होंगे। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? बेटा बस स्टैंड में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे। और ये बैट बॉल रख दे, लेने चला जा उनको, ठीक है? मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रही है बहुत। ठीक है मम्मी, ले आऊंगा। दीदी एक बार फिर से गगन को फोन करो ना, अभी तक नहीं आया। हाँ दीदी जल्दी करो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हे भगवान, मैं तो इस मोटे भाई से ही परेशान हो गई हूँ, अभी तो रास्ते में खाना खिलाया था, फिर तुझे भूख लग गई। अरे दीदी अब इसे छोड़ो, अब फोन करो गगन भैया को। तुम लोगों के पास है ना अपने अपने फोन, फिर मेरे को क्यों बोलते बार बार फोन करने के लिए? फोन तो है लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है। ठीक है करती हूँ मैं फोन। अरे दीदी वो देखो एक लड़का आ रहा है ऑटो से, लगता है यही गगन भैया है। आप लोग मेरे मामा के लड़के हो क्या? नहीं नहीं, हम तो गगन भैया के मामा के लड़के हैं। लगता है तुम लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई। इतना ध्यान से देखने के लिए नहीं बोला था। अरे मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम ही गगन हो ना? हाँ हाँ मैं ही गगन हूँ, ये मेरे असली भाई है। गगन भैया तुम कितने बड़े हो गए हो। अरे पागल, इसके साथ हम भी तो बड़े हुए। अच्छा आप जल्दी जल्दी ऑटो में बैठो। गगन भैया मैं आगे बैठूंगा। कितना सही कर रहा है ये गगन भैया, पता नहीं कहाँ चले गए यार, मुझको लगता है वो ना नीचे ही रह गया। अरे नहीं यार, हमारे साथ ही तो ऊपर आया था वो। हाँ यार गगन, गगन भाई। गगन? हाँ बोलो क्या हुआ? ये देखो गगन भैया हमारे पीछे ही बैठे हैं। गगन भैया हम सबको ना बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज हमारे लिए कुछ लेकर आओ ना। हाँ ठीक है ला रहा हूँ। अरे बाप रे, अगर ये लोग ऐसे खाएंगे तो मेरे घर का सारा खाना ही खत्म हो जाएगा। गगन भैया दो पीस पेस्ट्री उठाकर देना टेबल से। ए नौकर नहीं मैं तुम्हारा, खुद उठा लो। पागल साले उठा के दे दो ना प्लीज भैया, अगर नहीं दिया ना तो मैं बुआ जी को कॉल करके बता दूंगा कि गगन भैया ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। अरे मेरे बेटे हाथी गेंडे साले मोटे, मेरे प्यारे भाई मैं दे रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों हो रहे हो, बताओ क्या चाहिए? पेस्ट्री चाहिए, वो भी दो दो पीस दे रहा हूँ। और कुछ चाहिए होगा तो बता देना भाई, ठीक है? गगन भाई अब जब दे ही रहे हो तो मेरे को भी कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दो। हाँ ठीक है दे रहा हूँ, तुम लोगों का नौकर जो हूँ मैं। अरे भाई जो सबको दे रहे तो मुझे भी दे दो। ये क्या मांग रहा है साले? अरे मेरा मतलब है कि मुझे पानी दे दो। तो ऐसे बोलो ना, पता नहीं क्या मांग रहा है रामी साला। गगन भाई मुझे भी एप्पल दे दो ना, मैं खुद ही ले लूंगी।
हाँ भाई मैं बस आ ही रहा हूँ ना, कुछ मेरे आरामी कजन आ गए थे इसलिए मैं लेट हो गया। हरामी नहीं, हरामी तो मैं हूँ, मेरे कजन तो बहुत अच्छे हैं, सुंदर भी हैं, सुशील भी हैं। ठीक है भाई मैं बस आ रहा हूँ फील्ड में। भाई तू जा कहाँ रहा है? हॉकी खेलने जा रहा हूँ। अरे बहन जब मेरे हाथ में बैट है तो क्रिकेट खेलने ही तो जाऊंगा। गगन भाई हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, भैया हम भी चलेंगे। अबे चुप करो, हम भी चलेंगे। नहीं नहीं हमें भी जाना है। नहीं तो मैं बुआ जी को कॉल करके बता दूंगा कि गगन भैया मैं खेलने नहीं लेके जा रहे। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, बताओ कौन सा गेम खेलोगे तुम लोग? ठीक है तो हम खेल लेंगे बर्फ पानी। नहीं नहीं हम लूडो खेलते हैं। नहीं नहीं क्रिकेट खेलते हैं। अरे नहीं भाई हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं। अरे यार मेरे पास एक आइडिया है। देखो इस कटोरी में 5 पर्चियां हैं जिसमें अलग अलग गेम के नाम लिखे हैं। अब मैं इसमें से कोई एक पर्ची निकालूंगा, उसमें जो भी गेम का नाम लिखा होगा वो हम खेलेंगे। बाप रे। ठीक है मैं निकालता हूँ। क्या निकला? बता रहा हूँ क्रिकेट मैच। अरे गगन भाई तू फोन में क्या कर रहा है? भाई आज मैं तुझे एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है बिनोमो, जो एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। अच्छा हाँ, और तुम इसमें अलग अलग ऐसे में ट्रेड भी कर सकते हो, ऐसे एप्पल गूगल और फॉरेन करेंसी जैसे US डॉलर यूरो, और इसमें तुम्हें 90% का प्रॉफिट भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। हाँ और इसमें कोई भी ऐसा सेलेक्ट करना और कास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। भाई मैं तुझे एग्जांपल में बताता हूँ। देख मैंने 700 रुपये लगाए हैं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो मेरा फोरकास्ट सही निकल गया। एक बात बताओ ये पैसे कैसे आएंगे मेरे पास? अरे भाई पेटीएम बैंक जिससे मर्जी उससे कर ले, और इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपये है, और अगर तू मेरा प्रोमो कोड यूज करेगा तो तेरा डिपॉजिट क्यू अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी अगर तू 350 रुपये का टॉपअप करता है तो 700 रुपये मिलेंगे। ये बता इसको डाउनलोड कहाँ से करें? अरे भाई मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, अगर तू वहाँ से डाउनलोड करेगा तो 65,000 रुपये डेमो अकाउंट में मिलेंगे और डिफरेंट स्ट्रेटजी अलग से जिससे तू ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। अभी डाउनलोड करता हूँ। चलो भैया खेलने तो चले पहले। आओ ये किसका है भाई? ये बैलेंस भाई का। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ ये वाली किसकी है? ये वाली मेरी है। अच्छा बेटा इधर मत देखो आगे देखो। ये वाली बता किसकी है? ये वाली नैंसी दी की है। अच्छा ठीक है अब ये वाली बता। ये वाली शिखा दी की है। अच्छा ठीक है अब ये बता किसकी है? भैया अब तुम ही बच्चे हो तो ये हुई तुम्हारी। देखो ये है मेरी मतलब 1 मतलब 1 मतलब ये हुई मेरी मतलब मैं करूंगा पहली बैटिंग। नहीं नहीं पहले मैं खेलूंगा। भाई तू पागल है क्या? तू क्यों खेलेगा पहले? अगर तुमने मुझे पहले खेलने नहीं दिया तो मैं बुआ जी को फोन करके बता दूंगा कि गगन भैया मुझे बैटिंग नहीं दे रहे पहले। अरे नहीं ये तो चीटिंग है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बुआ जी को फोन कर दूंगा। दीदी आप समझाओ इसे। अरे यार मैं क्या समझाऊं इसे, मैंने जब पिछली बार इसे समझाया था तो छत पे भाग गया था कूदने के लिए। ये अपने आगे किसी की नहीं सुनता है। हाँ गगन तेरे पास ना कोई और रास्ता नहीं है, इसे खेलने दे। हेलो बुआ जी नमस्ते। हमें तो पागल वागल है क्या? मैंने तुझे मना थोड़ी ना किया है, मैं तो बस ट्राई कर रहा था शायद तू मान जाए। बैट तेरे पास है खेल ले तू पहले, मैं लास्ट में खेल लूंगा। ठीक है भाई? अरे भैया मैं भी तो मजाक कर रहा था, मैंने कौन सा बुआ जी को फोन मिलाया। अबे साले नहीं नहीं ये तो ट्राई बॉल थी। नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, मैंने क्या बोला है ट्राई बॉल है। तुमने नहीं बोला तो उससे क्या, मगर मैंने तो बोला था। अबे भाई पागल है क्या, तूने क्या बोला, मैंने तो सुना ही नहीं। मैंने अपने मन में बोला था, तुमने नहीं सुना वो तुम्हारी गलती है।
तुम लोगों ने सुना था ना? हाँ, हमने सुना था। बोला सही? हाँ। बे यार ये तो साले सबके सब हरामी है। स्मार्ट गाय। ठीक है भाई और बहनों, ये ट्राई बॉल थी, मैंने मान ली। अब मैं पहली बॉल डालने जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं पहली बॉल डालने जा रहा हूँ, देख लो सब लोग। नॉट आउट। दीदी ये चीटिंग है, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसमें क्या चीटिंग हुई? अब मैं नहीं पकड़ पाई बॉल। अब ये ले अगली बॉल फेंक। ए भगवान, मैं परेशान हो गया इनके जन से। ठीक है दीदी, मैं अगली बॉल डालता हूँ, ठीक है? अरे हाँ भाई, मैं एकदम रेडी हूँ, डाल। ठीक है, डाल रहा हूँ हाथी मोटे गेंडे। मेरे प्यारे भाई। ओ, ओ, ओ मोटा गेंडा, मतलब मेरा प्यारा भाई आउट हो गया। लो नैन्सी दीदी, अब आप खेलो। अब देखो मैं कैसे चौके छक्के उड़ाती हूँ। ठीक है ठीक है, अब मैं पहली बॉल डालने जा रहा हूँ। ध्यान से सुन लो सब लोग, मैं अब पहली बॉल डालने जा रहा हूँ। हाँ हाँ सुन लिया। अरे यार मैं नहीं खेल रही। अब मेरी बारी है। 1 2 3 4 तुम चारों मिलके मुझे आउट नहीं कर पाओगे और ना ही मुझे हरा पाओगे। पहले मुझे ये तो बता दो, मुझे जीतने के लिए कितने रन बनाने हैं? तुझे पूरे 3 रन बनाने, और वो भी एक ओवर में। इसका मतलब मैं पहले ही बॉल पर जीत जाऊंगा। अब मैं डालू बॉल? हाँ डालो डालो। ओ, ओ, ओ मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया। ओ भाई सस्ते नशे करके खेलने आया क्या? ट्रायल बॉल थी ये। हाँ हाँ और क्या, ट्रायल बॉल थी ये तो। हाँ हाँ और क्या, ये ट्रायल बॉल थी। हाँ हाँ ट्राई बॉल थी। लेकिन ना तो मैंने बोला ये ट्राई बॉल थी और ना तुमने बोला, फिर मैं कैसे मान लूं ये ट्राई बॉल थी? अच्छा मैंने तो बोला था, तूने सुना नहीं तो मेरी गलती है। लेकिन कब बोला? अपने मन में। अच्छा ठीक है दीदी, अब पहली बॉल डालो। ओ, 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 ओ मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया। ये तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, अभी मम्मी आएंगी तो मैं उनसे सब कुछ बता दूंगा। हाँ हाँ ठीक है जाओ बता दो। हाँ तो वो उल्टा तेरे को ही मारेंगी, हम तो मेहमान है, हमें थोड़ी ना कुछ बोलेंगी। ली 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 ली। और चुप कर, मैं तो बोल रही हूँ कोई और गेम खेलते हैं। नहीं नहीं मुझे तुम लोगों के साथ कोई गेम नहीं खेलना है। ठीक है तो फिर मैं अभी बुआ जी को बता देता हूँ। अरे नहीं भाई मैंने मना थोड़ी ना किया है, बताओ कौन सा गेम खेलोगे तुम लोग। अरे चुप करो यार, फिर से मुझे वही करना पड़ेगा। रूल तो सबको पता ही है ना। सबको पता है। ठीक है फिर मैं कोई एक पर्ची निकालता हूँ। क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा भाई बताना क्या लिखा बता यार बता यार। मेरे कजन ने तो मुझे परेशान करके रख दिया, आगे और कितना करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। दिखाओ।
हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट। और हाँ, इस वीडियो को अपने कजन के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी सेकेंड पार्ट आएगा, तो फटाफट जाके कमेंट करो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल द गगनो सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाला बटन होता है उसे दबाओ, बगल में बेल आइकन आ जाएगा उसे भी दबाओ ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।